लाल सभी चो ए आयो लाल आयो लाल आयो लाल आयो लाल जेको चवंदो झूलेलाल लैंदा थींदा बेड़ा पार जेको चवंदो झूलेलाल लैंदा थींदा बेड़ा पार ए लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 आयो लाल सभी चौ झूलेलाल बोलो बाबा गुरुमुखदास साहिब की जय चालिए वारे साहिब की जय ओम श्री अमरलाल जी सहाय ब्रह्मलीन बाबा गुरुमुखदास साहिब जीवन वृतांत बाबा गुरुमुखदास जी का जन्म अविभाजित भारत के सिंध प्रांत के दादू जिले में 19 फरवरी 1947 महाशिवरात्रि के पावन दिवस पर हुआ था। विभाजन उपरांत उनका परिवार चक्करभाटा कैंप में आकर बस गया। बाल्यकाल से ही बाबाजी शिव भक्त थे। किशोरावस्था में माता तुलसी देवी ने अपने पुत्र गुरुमुख दास से कहा, हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल हैं। गुरु मंत्र लेकर 40 व्रत कर भगवान श्री झूलेलाल जी की प्राप्ति करो। माता के आदेश को शिरोधार्य कर गुरु ठकुर आलमचंद तथा गुरु भगवान दास जी से गुरु मंत्र प्राप्त कर बाबा जी इष्ट देव भगवान श्री झूलेलाल की पूजा अर्चना एवं कठिन 40 व्रत करने लगे। बाबा जी अपने मामा सिद्धूमल के निवास पर एक कमरे में भगवान झूलेलाल की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना एवं व्रत करते हुए वहां आने वाले लोगों के दुख और तकलीफ सुनकर उनके निवारण के उपाय बताने लगे। बाबा जी आने वाले लोगों से कहते थे, जो कुछ मांगना है प्रार्थना पूर्वक भगवान झूलेलाल से मांगो, सबको देने वाले वही हैं। श्री झूलेलाल मंदिर की स्थापना। एक रात ध्यान में बैठे बाबा जी को भगवान झूलेलाल से प्रेरणा प्राप्त हुई कि चक्करभाटा कैंप में मेरे स्थान के किनारे मेरा मंदिर बनवाओ। इस प्रेरणा अनुसार बाबा जी ने 7 नवंबर 1972 को मंदिर का निर्माण कराया और यहीं पर भगवान श्री झूलेलाल की पूजा अर्चना एवं 40 व्रत कर श्रद्धालुओं की जिज्ञासा शांत करते रहे। मंदिर निर्माण उपरांत प्रत्येक शुक्रवार को बाबा जी श्री झूलेलाल साईं के समक्ष बैठक लगाते। आने वाले श्रद्धालुओं के दुख दूर करने हेतु भगवान झूलेलाल से प्रार्थना करते एवं प्राप्त प्रेरणा के अनुसार दुख निवारण के उपाय बताते। वे कहते थे, शुक्रवार के दिन जो कोई भी व्यक्ति मंदिर में आकर श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाएगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे एवं हर मनोकामना पूरी होगी। यहां स्थित कुएं में जल देवता भगवान श्री झूलेलाल स्वयं निवास करते हैं। इस स्थान पर जो कोई भी सुबह शाम ज्योत प्रज्वलित करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। जो व्यक्ति अपने कमाए धन से कुछ भाग यहां मंदिर में अर्पित करेगा उसके यहाँ धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। श्री सिंधु अमरधाम आश्रम की स्थापना। एक दिन पुनः भगवान झूलेलाल जी का आदेश हुआ, दीनहीन पीड़ितों गरीबों एवं बुजुर्गों तथा सामाजिक उत्थान के कार्य करने हेतु एक आश्रम की स्थापना करो। भगवान झूलेलाल के आदिशानुसार बाबा जी श्री सिंधु अमरधाम आश्रम की स्थापना कर सामाजिक उत्थान के कार्य करने लगे। निर्धन कन्या विवाह, सामूहिक जनेऊ संस्कार, गरीबों के लिए अन्न सहायता कोष जैसे परोपकारी कार्य करने लगे। श्री झूलेलाल मंदिर को अपने भागीरथ प्रयासों से विशिष्ट पहचान प्रदान कर बाबा जी 21 जनवरी 2000 पूर्णिमा को
ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए। हजारों श्रद्धालुओं ने नम आंखों से अंतिम दर्शन कर उन्हें विदाई प्रदान की। 24 जनवरी 2000 को बाबा जी की इच्छा, मृत्यु उपरांत मेरे शरीर को गंगा सागर ले जाकर जल देवता को अर्पित कर देना, ताकि मेरे शरीर का जर्रा जर्रा जलीय जीवों के द्वारा भक्षित होकर पूरी तरह जल देवता भगवान झूलेलाल में समाहित हो जाए। तदनुसार बाबा जी का पार्थिव शरीर गंगा सागर में विसर्जित कर दिया गया। साईं लालदास जी का गद्दी नशीन होना। बाबा गुरुमुखदास के ब्रह्म तत्व में विलीन होने के पश्चात पूज्य गुरुदेव ठकुर प्रकाश चंद, ठकुर मिल्की राम एवं पूज्य सिंधी पंचायत के द्वारा 16 वर्ष की अल्पायु में 17 मार्च 2000 को साईं लालदास जी को श्री झूलेलाल मंदिर श्री सिंधु अमरधाम आश्रम की बागडोर सौंपी गई। श्री झूलेलाल मंदिर में स्थापित अखंड ज्योत के दिव्य प्रकाश भगवान झूलेलाल एवं बाबा गुरुमुखदास जी के आशीर्वाद से साईं लालदास जी ने इस किशोरवय अवस्था से ही कठोर तप, पूजा अर्चना एवं चालीसा साहब का कठिन व्रत प्रारंभ किया। हर घर झूलेलाल, घर घर झूलेलाल का महान लक्ष्य लेकर कठोर परिश्रम एवं यात्राएं प्रारंभ की। अपने दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से आज उन्होंने हर घर झूलेलाल, घर घर झूलेलाल का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। साईं लालदास जी द्वारा देश के विभिन्न नगरों में श्री सिंधु अमरधाम आश्रम की शाखाएं स्थापित की जा रही है। श्री झूलेलाल मंदिर एवं श्री सिंधु अमरधाम आश्रम का वर्तमान भव्य स्वरूप भगवान श्री झूलेलाल साईं, बाबा गुरुमुखदास जी के आशीर्वाद एवं साईं लालदास जी के सर्वस्व समर्पण का नतीजा है। विशेष बात यह है कि मंदिर परिसर में कुआं एवं भगवान झूलेलाल जी मूर्त रूप में स्थापना काल से अपने मूल स्थान गर्भगृह में विराजमान है। साईं लालदास जी एवं सामाजिक सरोकार। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए साईं लालदास जी मंदिर में निर्धन कन्या विवाह, सामूहिक जनेऊ, गरीबों हेतु अन्न सहायता कोष, रक्तदान, देहदान, नेत्रदान शिविर तथा समाज के प्रतिभाशाली बच्चों का प्रतिमा सम्मान एवं स्वच्छ भारत अभियान सहित अनेक परोपकार पूर्ण कार्य कर रहे हैं। प्रतिवर्ष मंदिर में स्थापना का मेला, चाली हो महोत्सव, चेटी चंद्र महोत्सव, गुरु पूर्णिमा महोत्सव सहित प्रत्येक माह के चंद्र दर्शन पर बहराणा साहब एवं मेले का आयोजन होता है। जय झूलेलाल। सजी संगत के जान थी दिनी वने तो साईं लालदास यूट्यूब चैनल ते ये कथा तमा रोज बुधी सको था। ए साईं लालदास यूट्यूब चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओ झूलेलाल साईं जो मां बानो आया, झूलेलाल साईं जो मां बानो आया। नचा मन नचा बाऊ गुरुमुखदास जी नगरिया में नचा। नचा मन नचा बाऊ गुरुमुखदास जी नगरिया में नचा। शहजादे साईं लालदास जे इश्क में दिल जू में नचे, साईं जी मौज में अजरंग जी साईं मारंग में नचा। नचा मन नचा बाऊ गुरुमुखदास जी नगरिया में नचा।